ना मंत्री भी नहीं है अभी, पूर्व मंत्री है, अब मंत्री हो तो झांक नहीं सुनेंगे। क्या कर लेगा मेरा मंत्री, कैसे सहनी पर उछल रहा है, यहाँ ना जान रहा है मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है यहाँ, बिहार में अफसरशाही कितना हावी है, एक ऑडियो सामने आया है जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे। नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार के अधिकारी, आम लोग तो छोड़िए, नेता मंत्री को भी कितनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार का यह सुशासन राज नहीं बल्कि अफसर राज है। दरअसल पूरा मामला बिहार के गया के आमस थाने से जुड़ा हुआ है। आमस थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया, जिस मामले को लेकर वीआईपी चिप मुकेश साहनी को ही गाली देते हुए नजर आ रहे हैं आमस थाने के थानेदार इंद्रजीत कुमार। मामला है कि शेरघाटी कोर्ट से वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष अनिल साहनी की गाड़ी बीते दिनों चोरी हो जाती है। गाड़ी की चोरी की शिकायत लेकर वो थाने तक पहुंचते हैं और थाना अध्यक्ष से इस मामले में अनुसंधान तेजी करने का गुहार लगाते हैं। एसएचओ के द्वारा जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो वो अपने पार्टी के वरीय अधिकारियों तक ये बातें रखते हैं। मुकेश साहनी के करीबी एक नेता का फोन आमस थाने के एसएचओ को जाता है। मुकेश सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के युवा अध्यक्ष ने फोन कर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात एसएचओ आमस इंद्रजीत कुमार को कही। लेकिन जैसे ही अनिल कुमार अगले दिन थाने पर पहुंचते हैं, एसएचओ भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। इतना ही नहीं, मुकेश साहनी तक को भी नहीं छोड़ते। मुकेश साहनी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और पूर्व मंत्री की जितनी गालियां दी है आमस के एसएचओ ने, आप ऑडियो ही सुनिए। देखा अस्पताल में सारा माथा फाड़ दिया, कहाँ रेफर कर रहा है, कहाँ भर्ती था, बोला नहीं तू उपस्थित करा, सारा जो घायल है इसमें धारा बटखारा लगाना है, माथा फाड़ दिया था, टांगी काट दिया, तो बंदूक है, चुज्जी लहसुन सब लिखा है, हम इस तरह धारा में केस करेंगे, कहीं से क्या हम करेंगे, 307 फलां सिर पर गंभीर चोट पड़ा, लाठी रड का जख्म है, हाथ पंजा जख्मी है, लला है, चुज्जी है, माथा पूर्व मंत्री कौन साहनी के, हाँ मुकेश साहनी के, तो यहाँ चौकीदार बैठा हुआ है का, डर जाएंगे का, थोड़ी बोल रहे हैं, कोची बोलता है कि हमको वीडियो दीजिए, ये दीजिए, वो मेरा बाप है, तो मेरा डीएसपी है, एसपी है कि मांगेगा हमसे, नहीं जैसे बोले फुटेज है, फुटेज चेक नहीं किए हैं जाके हम, तू हमारा अनुसंधान करने का तरीका बतावेगा, वो बतावेगा, तो पुलिस में काम में हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है, उरे कौन होता है, न मंत्री भी नहीं है अभी, पूर्व मंत्री है, अब मंत्री हो तो झांक नहीं सुनेंगे, क्या कर लेगा मेरा मंत्री, पुलिस का अलग काम है, अब मंत्री का अलग काम है, पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में क्यों हस्तक्षेप करेगा, तू पर भी कराता है बहुत रहे तू, बहुत उड़ रहा है यहाँ, तुरा क्या लग रहा है चौकीदार बैठा हुआ है यार, मुकेश साहनी पर उछल रहा है, यहाँ ना जान रहा है मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बैठा हुआ है यहाँ, लौड़ा तो पता है, झाट पता है, झाट पकड़ लेना मर जाए, समझ गया ना, भागो यहाँ से, कवार लगा मुकेश साहनी है, हमारे झाट कवार लगा। तो ये आमस का एसएचओ इंद्रजीत कुमार का ऑडियो है। नीतीश कुमार का सुशासन राज कहने को है बिहार में, यहां तो अधिकारी पूर्व मंत्री को गालियां दे रहा है ये कहकर कि पूर्व मंत्री है क्या कर लेगा। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है इन शब्दों की व्याख्यान हम यहां नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब ऑडियो वायरल हुआ तो गया के एसएसपी ने संबंधित एसडीपीओ को जांच का निर्देश दे दिया है। देखना यह होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई होगी। आपको यह भी बताएं कि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि टुडे बिहार न्यूज नहीं करता है।
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।